जैसे कि आपको पता है कि बीजेपी आरएसएस एक प्रोग्राम चला रही है, सहारनपुर में मिहिर बोझ की यात्रा निकलवा रही है, जो नुक्कड़ का बीजेपी का एमएलए वो निकलवा रहा है आरएसएस समर्थित, तो वो वहाँ पर हिंदू गुजर और मुस्लिम गुजरों को भी एक कर कर वहाँ पर यात्रा निकलवाई जा रही है। तो वही जो दूसरा बीजेपी का एक नेता है जो बुरी तरह से हारा था, ठाकुर संगीत सोम है, तो अपने समाज का देखो क्या लिख रहा है, क्या बोल रहा है, जो मीडिया में दिखाई दे रहा है कि वो यात्रा निकालेगा बढ़ती आबादी को लेकर। हमें क्या इससे मिलेगा, मुझे बताओ, तुम राजपूतों को लेकर यात्रा निकलवाओगे, राजपूतों का इस्तेमाल कर रहे हो, राजपूतों का वोटों का इस्तेमाल कर रहे हो, मुझे बताओ ना, बेवकूफ़ बना रहे हो समाज को। सिर्फ महाराणा प्रताप का एक बोल बोल देते हो, जहाँ कुछ बोल देते हो, उससे समाज बेवकूफ़ नहीं बनेगा। आज के समाज में हालत क्या है, कितने लोग हमारी नौकरियां ले रहे हैं, अभी तो रिजल्ट निकला कि कितने लोग नौकर हुए पता है कुछ, मुजफ्फरनगर में तुम्हें पता है मुस्लिम राजपूतों की वेस्ट यूपी में कितनी बड़ी वादी है, उनको जोड़ने के बजाय तुम लोग क्या ये कर रहे हो बेवकूफ़ी वाला काम। मुजफ्फरनगर में जब हुआ था कुछ तो तुम चले गए, तो बिना सोचे ही तुम्हारी जाति का उसमें कोई रोल ही नहीं था। और दूसरी बात ये है कि मुजफ्फरनगर में जो मुस्लिम राजपूत भाई थे, उन्होंने मुजफ्फरनगर से जितवाया था, चौधरी चरण सिंह को हराया था, जो कुशवाहा राजपूत जीता था, वो इन्हीं मुस्लिम राजपूत भाइयों, रांगड़ राजपूत भाइयों की वजह से जीता है, जिसको तुम्हें जोड़ना चाहिए मुस्लिम राजपूत भाइयों को। हमें दूसरी मुस्लिम जातियों से कोई लेना देना नहीं, दूसरी हिंदू जातियों से कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमें धर्म के नाम पर क्यों तुम वो हमारे लोगों को चूतिया बना रहे हो, हमें क्या लेना देना, मुझे बताओ ना। बीजेपी आरएसएस मुस्लिम गुजरों को साथ जोड़ रही है और तुम ऐसे ही बेवकूफ़ बन रहे हो। इस बार तुम क्यों हारे, तुम्हें रांगड़ कोई वोट नहीं देता, रांगड़ राजपूत इसलिए हारे, और दूसरी हिंदू जाति ने एक भी वोट नहीं दिया तुम्हें, क्यों हारे? सिर्फ एक क्षत्रिय राजपूतों के वोटों से जीत जाओगे तुम, अगली बार भी हारोगे, तुम्हारे सामने कोई गुजर या जाट वहाँ खड़ा होता है तो वो जीतता है, वोट जीतेगा ही, वो लोगों को दूसरों को जोड़ लगा, तुम्हारी एक अपनी जाति को लेकर थोड़ी जीत सकोगे। जब तक तुम मुस्लिम राजपूतों को साथ नहीं जोगे, कहीं भी नहीं जोड़ सकते, आज कल कहीं भी नहीं जीत सकते, मैं बोल रहा हूँ। तो हमें अपनी यात्रा निकलवा, लेकिन वहाँ पर राजपूतों को ऐड मत किया कर। तुझे बता दिया कि तेरे नाम से पूरा समाज नहीं चलेगा। दूसरी बात यह है कि सहारनपुर में जो लोग विरोध कर रहे हैं गौरव यात्रा, क्यों कर रहे हैं विरोध? तुम अपने लोगों को क्यों नहीं जोड़ रहे? अपनी यात्रा निकलवाओ ना, क्यों नहीं निकलवा रहे? अपने मुस्लिम राजपूत भाइयों को क्यों नहीं जोड़ रहे? तुम्हें पता है क्या, सहारनपुर में 120,000 हिंदू गुजर हैं और 40,000 मुस्लिम गुजर हैं, टोटल 160,000। वहीं जो क्षत्रिय समाज है वो 150,000 है, और जो मुस्लिम राजपूत भाई हैं वो 120,000 है, टोटल बन गए 300,000। लेकिन अगर हम बट जाते हैं, उनको नहीं जोड़ पाते हैं, हम 150,000 वो 160,000 वो इकट्ठे हो गए हैं, कौन जीतेगा, कौन बाजी मारेगा, मुझे बताओ कौन बाजी मारेगा? लोकतंत्र के हिसाब से तुम हार गए, तुम हार जाओगे। अगर तुम उनको मुस्लिम राजपूतों को, रांगड़ राजपूत भाइयों को जोड़ लेते हो, 300,000 बन गए, डबल हो गए, कौन जीतेगा? अब वो तुम्हारा मुकाबला भी कर सकते हैं क्या? तुम्हारा दिमाग ही नहीं है कुछ, तुम्हें पता ही नहीं है कुछ, मुझे बताओ। जो आप 60-84 बोलते हो, 60 जो सिसोदियों के गांव हैं उसमें 22-23 गांव तो मुस्लिम सिसोदिया राजपूतों के हैं, गहलोत राजपूतों के हैं, तुम्हारा कैसे 60-84 पूरा हो गया? मुस्लिम राजपूतों को जोड़कर 60-84 बनता है, चाहे जो 80 गांव बुलंदशहर वाली साइड सोलंकी राजपूतों के हैं उनमें भी जाते मुस्लिम राजपूत हैं, हर जगह वेस्ट यूपी में हिसाब ही हर जगह जी है। तुम उनको नहीं जोड़ोगे तो कमज़ोर तुम खुद बन रहे हो। तुम्हें पता ही नहीं है कि जो हिंदू गुजर मुस्लिम गुजरों की टोटल आबादी वेस्ट यूपी में 3-4-5 जिलों में फैली हुई है, कहीं भी राजपूतों से ज़्यादा नहीं है दोनों धर्म को मिला ले तो, और 10-11 लाख हैं भी क्षत्रिय समाज पूरे यूपी में, तो 2.5-3 करोड़ है, उसको छोड़ो वेस्ट यूपी में ही जो मुस्लिम राजपूत भाई हैं वो ही उनसे ज़्यादा हैं, 25-30 लाख हैं। मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बुलंदशहर, ग्रेटर नोएडा, जहाँ पर सभी जो एक हमारी गोत्र के हैं वही दूसरे गोत्र के वो हैं, उनको साथ नहीं जोड़ोगे तो हार जाओगे तुम। अगर साथ जोड़ लोगे तुम्हारे सामने कोई नहीं टकराएगा। इतिहास कौन चुरा रहा है? कौन सी पार्टी चुरा रही है? कौन सी पार्टी निकाल रही है? उसी के समर्थन में तुम लोग क्या कर रहे हो? कभी मिहिर बोझ की मूर्ति की मांग करना, तो मैंने भाषण सुना उसमें महाराणा प्रताप की मूर्ति की मांग, क्या करनी महाराणा प्रताप की मूर्ति? सबको पता, सबको इतिहास है, ठीक है बनाओ, कभी मिहिर बोझ की लगवाना चौक में, मेन चौक में लगाओ, अपने गाँव में तो सभी लगा रहे हैं, मेन चौराहे पर लगाओ ना, फिर मैं मानूँ।
ऐसे ही समाज को इस्तेमाल ना करो। मैं क्षत्रियों को कहना चाहता हूँ, समाज को इस्तेमाल ना होने दो। सहारनपुर में अगर मिहिर बोज का इतिहास बचाना है तो उनको साथ रहना पड़ेगा, वरना मैंने तुम्हें बता दिया है कि हम हार जाएंगे। तुम मुस्लिम राजपूत एसोसिएशन पूरे वेस्ट यूपी में चल रही है, उनसे बाहुबल संख्या है, बड़ी वादी है जो दूसरे समाज से उनकी ही के लिए, उनको उनके आगे जाने में आपको क्या तकलीफ है, उनके आगे झुकने में क्या तकलीफ। नहीं, तुम तो हमेशा हारते रहे हो, अंधभक्त रहे हो। तुमसे तो वो अनंत मोहन सिंह ठीक है, उसने क्या बोला कि हमारा धर्म क्या है, सिर्फ क्षत्रिय धर्म है, क्षत्रिय धर्म है, क्षत्रिय धर्म ही है।